आज हम लोग देखने वाले हिस्टोपैथोलॉजी में मेटाक्रोमैटिक स्टेन। तो मेटाक्रोमैटिक स्टेन एक ये है कॉन्गोरेड, जिसे एमाइलॉइड को स्टेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। कॉन्गोरेड स्टेन फॉर एमाइलॉइड, इसमें जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एम टू डिमॉन्स्ट्रेट एमाइलॉइड इन टिश्यू, यानी कि हमारा जो भी पैथोलॉजिकल स्पेसिमेन होगा, टिश्यू होगा, उसमें हम लोग कॉन्गोरेड की मदद से एमाइलॉइड को डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। इसका जो प्रिंसिपल होता है वो होता है डायजो डाई अटैचेज इटसेल्फ टू एमाइलॉइड फिब्रिल्स, द यूनियन इज अफेक्टेड बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द ओएच ग्रुप ऑफ एमाइलॉइड एंड एमिनो एसिड ग्रुप ऑफ द डाई। यहाँ पे देख रहे होंगे कि डायजो डाई जो है, इसको हम लोग कॉन्गोरेड जो डाई होता है, इसको हम लोग देखते हैं, उसका स्ट्रक्चर देखने जाएंगे तो उसमें दो एजो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तो इसे हम लोग डायजो डाई कह सकते हैं। और ये जो इसका जो कह सकते हैं कि ये डाई टिश्यू कंपोनेंट के साथ, दैट इज़ एमाइलॉइड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू बाइंड करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जिसमें ओएच ग्रुप जो कि एमाइलॉइड पे होते हैं वो बाइंड करते हैं अमीनो साइड ग्रुप ऑफ द डाई। डाई का जो अमीनो साइड होता है, उस अमीनो साइड ग्रुप डाई का और एमाइलॉइड का जो ओएच ग्रुप होता है, उन दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। इस तरीके से ही ये डाई अपना काम शुरू करता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें एक बात कि ग्रीन बायोफ्रिंजेंस ऑफ कॉन्गो रेड स्टेन एमाइलॉइड बाई पोलराइज्ड लाइट इज कंसिडर्ड डायग्नोस्टिक ऑफ एमाइलॉइड, यानी कि हम लोग जब लास्ट में ये पूरा का पूरा स्टेनिंग प्रोसीजर कंप्लीट कर लेते हैं, तब इसको हम लोग जब पोलराइज्ड लाइट माइक्रोस्कोप में देखने जाएंगे, तो पोलराइज्ड लाइट के वजह से एक बायरफ्रिंजेंस जो फेनोमेनन होता है वो प्रोड्यूस होता है किसी किसी बायरफ्रिंजेंट मटेरियल्स में। तो वैसा ही बायरफ्रिंजेंट मटेरियल कौन है, एमाइलॉइड भी है। तो एमाइलॉइड में वैसा ही कुछ जो है ग्रीनिश टाइप का हम लोगों को फेनोमेनन, ग्रीनिश टाइप का जो है कलर देखने को मिलेगा जब हम लोग कॉन्गोरेड से स्टेन करेंगे और इसे पोलराइज लाइट माइक्रोस्कोप में देखेंगे। तो एमाइलॉइड एक्चुअली में होता क्या है, तो एमाइलॉइड हम लोग किसी एक तरीके से कह सकते हैं प्रोटीनाशियस प्रोटीन का ही बना हुआ एक सब्सटेंस है, प्रोटीन्स है, एक तरीके का एबनॉर्मल फिब्रस एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रोटीन्स कह सकते हैं हम लोग, जो किसी किसी ऑर्गन या टिश्यूज़ में डिपोजिट रहते हैं और इनसॉल्यूबल फॉर्म में, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एमाइलॉइड कहते हैं, जो यहाँ पर देख रहे हैं। और दूसरी बात जो बायरफ्रिंजेंस है, बायरफ्रिंजेंस हम लोग कह सकते हैं जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हम लोगों का ये कोई मटेरियल है और यहाँ से कोई पोलराइज्ड लाइट जब इसमें से चलता है, तो इस मटेरियल लाइक एमाइलॉइड है, ठीक है, तो यहाँ पर से टकराने के बाद ये सिर्फ और सिर्फ बायरफ्रिंजेंट मटेरियल्स ही में होगा ये काम। तो यहाँ पर से ये दो रेज में बटकर ये आगे निकलता है, जिसे हम लोग एक को कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज और दूसरे को ऑर्डिनरी रेज, जो आगे जाके फिर इसके बाद फर्दर एनालाइजर से पास होता हुआ निकलता है। तो इसी फेनोमिनन को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया कि बायरफ्रिंजेंस एक्चुअली में क्या है, इज़ द स्प्लिटिंग ऑफ अ रे ऑफ लाइट इनटू टू रेज व्हेन इट पास थ्रू अ सर्टेन टाइप्स ऑफ मटेरियल, जैसे कैल्साइट क्रिस्टल हो गया, एमाइलॉइड हो गया, और इसे फिर वहाँ से दो रेज निकलते हैं, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज। नेक्स्ट फिर अब हम लोग चलते हैं इसके रिएजेंट में कि कॉन्गोरेड स्टेन स्टेनिंग में हम लोगों को कौन कौन से रिएजेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, पहला होगा जो हमारा मेन रिएजेंट है कॉन्गोरेड सॉल्यूशन। कॉन्गोरेड कितना लेना है, 1 ग्राम डिस्टिल वाटर 100 ml लेना है, ये मिक्सचर बनाएंगे। फिर इसके बाद दूसरा हम लोग ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे लिथियम कार्बोनेट का, ये क्या होगा, हमारा डिफ्रेंशिएटर होगा, इसको इस तरीके से बना देंगे। लिथियम कार्बोनेट 1.3 ग्राम लेना है, डिस्टिल वाटर 100 ml लेना है, ये हमारा कॉन्गोरेड। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोसीजर पे। प्रोसीजर में हम लोग जानते हैं कि हमें क्या करना होगा, टिश्यू का जो पूरा प्रोसेसिंग करने के बाद, माइक्रोटोमी करने के बाद जो हमारा अब जो स्लाइड होगा, उसे हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं,
तो इसे सेक्शन को वाटर में ले जाना है। वाटर से निकालने के बाद देन हम लोगों को क्या करना होगा, इस स्लाइड पे कॉन्गो रेड सॉल्यूशन को पूरी तरीके से भर देना है, और भरने के बाद 20 मिनट के लिए इसे छोड़ देना है। 20 मिनट के लिए हमें कॉन्गो रेड डालकर छोड़ना है, एंड देन फिर इसको गिराना है सॉल्यूशन को, और फिर इसके बाद स्लाइड के ऊपर लिथियम कार्बोनेट से भर देना है। लिथियम कार्बोनेट को छोड़ना है स्लाइड के ऊपर 1.5 मिनट के लिए, ताकि पूरी तरीके से डिफरेंशिएट कर दे। डिफरेंशिएट करने का यहाँ पे सेंस है कि इफ़ एक्सेस अमाउंट ऑफ कॉन्गोरॉइड अगर रह गया होगा तो वो उसे हटा देगा कौन, लिथियम कार्बोनेट। देन लिथियम कार्बोनेट को वॉश करने के लिए हम लोग वाटर से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद अब हम लोग यूज़ करेंगे काउंटर स्टेन। काउंटर स्टेन यानी कि अदर देन एमाइलॉइड वहाँ पे लाइक न्यूक्लियाई न्यूक्लियस वगैरह है, तो उससे स्टेन करने का काम हीमेटोक्साइलिन का होगा। हीमेटोक्साइलिन वहाँ पे इससे स्टेन करेगा, तो हीमेटोक्साइलिन को हम लोग यूज़ करेंगे 5 मिनट के लिए। फिर हीमेटोक्साइलिन को यूज़ करने के बाद देन फिर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे इसे 1% एसिड अल्कोहल में डाल करके। अगर एक्सेस हेमाटोक्साइलिन से स्टेन हुआ होगा तो वो निकल जाएगा। देन फिर इसके बाद हम लोग को करना है वॉश करना है रनिंग टैप वाटर में। फिर इसके बाद डिहाइड्रेट करेंगे इंक्रीजिंग सीरीज ऑफ अल्कोहल का यूज़ करके, और क्लियरिंग करेंगे ज़ाइलिन में डाल करके। और फिर इसके बाद यहाँ पे स्लाइड को जो हमारा टिश्यू जिस पे हमने स्टेन किया है उस पे DPX डाल करके कवर स्लिप से माउंट कर देंगे। रिज़ल्ट क्या बनेगा, तो रिज़ल्ट हमारा हो जाएगा एमाइलॉइड जो होगा हमारे स्लाइड पे, वो जब नॉर्मल माइक्रोस्कोप में है तो कैसा दिखेगा, ब्राइट रेड कलर का ही दिखेगा, लेकिन जब हम लोग उसे पोलराइज माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वो बिल्कुल एप्पल ग्रीन कलर उसमें आता है। एप्पल ग्रीन बायोफ्यूजन्स प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से ये एप्पल ग्रीन दिखता है। इसके बाद हमारा जो है न्यूक्लियस हीमेटोक्साइलिन की वजह से न्यूक्लियस ब्लू होगा, और बाकी के स्ट्रक्चर जो होंगे वो येलो दिखेंगे, चूँकि ये एक मेटाक्रोमेटिक स्टेन है। नेक्स्ट कुछ नोट दिया गया है कि जब हम लोग जब भी हम लोग अगर स्टेन यूज़ कर रहे हैं कॉन्गो रेड, तो हम लोगों को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात है कि सेक्शन हमारा कटा मतलब सेक्शन जो हमारा बने माइक्रोमीटर ये माइक्रोटोम में वो 8 से 10 माइक्रोन्स का रहना चाहिए, तभी हमारा जो है ये अच्छी तरीके से काम करेगा। नेक्स्ट फिर है सॉल्यूशन मस्ट बी फिल्टर्ड थ्रू ग्लास वूल। फिल्टर पेपर की जगह हम लोग यहाँ पे ग्लास वूल जो है इसका यूज़ करेंगे। जितने भी सॉल्यूशन लाइक कॉन्गो रेड सॉल्यूशन बनाए या लिथियम कार्बोनेट बनाए, तो उसे फिल्टर करने के लिए हम लोग ग्लास वूल की मदद लेंगे, तो इससे अच्छा बायोफ्यूजन्स प्रोड्यूस होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम लोग तीसरा पॉइंट देख रहे हैं, टिश्यू फिक्स्ड इन सॉल्यूशन अदर देन फॉर्मेलिन मे डिस्प्ले फॉल्स पॉजिटिव बायोफ्यूजन। तो जब हम लोग शुरू में ही टिश्यू को फिक्स करने का काम करते हैं, तो वह हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इफ़ अगर हम लोग एमाइलॉइड को स्टेन करने जा रहे हैं कॉन्गो रेड से, तो उस वक्त हमें एज अ फिक्सेटिव किसे यूज़ करना चाहिए, तो फॉर्मेलिन को करना चाहिए। अगर फॉर्मेलिन के अलावा हम लोग कोई और फिक्सेटिव यूज़ कर रहे हैं तो चांसेस बनते हैं कि वहाँ पे हमारा रिज़ल्ट जो होगा फॉल्स पॉजिटिव रिज़ल्ट आ सकता है।